अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर शहर से हजारों टन कूड़े को नगर परिषद के कूड़ा संयंत्र बुजुरी में इस्तेमाल किए जाने की बजाय खुले में जलाया जा रहा, जिसके कारण बुजुरी के आसपास के गांव के लोगों का जीवन नरक बना हुआ है। इसी समस्या को लेकर दगनेड़ी गांव के सभी गांव वासियों ने आज उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। वही महिलाओं ने मुख्यमंत्री के हमीरपुर दौरे के दौरान घेराव की चेतावनी दी। हमीरपुर शहर में हजारों टन कूड़े को नगर परिषद के कूड़ा संयंत्र बुजुरी में इस्तेमाल किए जाने की बजाय खुले में जलाया जा रहा है, जिसके कारण बुजुरी के आसपास के गांवों के लोगों का जीवन नरक बना हुआ है। इसी समस्या को लेकर दगनेड़ी गांव के सभी गांव वासियों ने आज उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। वही महिलाओं ने मुख्यमंत्री के हमीरपुर दौरे के दौरान घेराव की भी चेतावनी दी। आपको बता दें कि चैनल ने पिछले कुछ दिनों से कूड़ा संयंत्र के बाहर खुले में कूड़े को जलाया जाने से पूरा वातावरण दूषित होने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, और अब समस्या से दुखी गांव वासियों ने एनजीटी के पास मुकदमा करने और मुख्यमंत्री के घेराव तक की बात कही है। रीता शास्त्री ने बताया कि इस समस्या के बारे में कई बार हमीरपुर उपायुक्त को अवगत करवाया गया है, लेकिन समस्या जैसी की तैसी ही बनी हुई है, जिसके चलते आज उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है और कहा कि अगर अब भी समस्या का हल नहीं किया गया तो वे एनजीटी के पास मुकदमा दर्ज करवाएंगे। हमने तो आरटीआई के टाइम लगाई थी, हम आरटीआई के टाइम पे हम लोग गए थे, तब हमने उनसे बात की थी साहब से, उनके कुछ एक पार्षद भी थे वहाँ पे बैठे हुए, तो उन्होंने बोला कि जल्दी सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, लेकिन सॉल्व तो मेरे को होती नजर नहीं आ रही है। आज 15 दिन से आग लगी हुई है। डीसी साहब ने बोला कि अभी करते हैं, उनको कुछ फाइन वगैरह के लिए बोला है, फाइन वगैरह डालेंगे या जो भी है, पर फाइन से क्या होगा, 10-12 हजार का फाइन डाल देंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो कुछ नहीं होगा। वो कूड़ा तो एज इट इज ही चलेगा, ठेकेदार भी वैसे ही करेगा। मेल कर रही हूँ मैं अभी उनको बैठ के, तो अभी डीसी साहब को बताना था कि ऐसे है, या तो हमारा कोई हल करो, नहीं तो भी हम तो कुछ ना कुछ, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो ये कीड़े हैं, अगले बच्चे बिल्कुल नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। डीसी साहब को दोबारा इंटीमेट किया है कि ऐसे ऐसे आज 15 दिन से आग लगी हुई है जंगल में, धुआं उठ रहा है, हमारा जीना तो बहुत मुश्किल हो गया है। अब इतना बोल दिए, बता दिया है उनको, वैसे हमारी आगे पीएम साहब के साथ सीएम साहब को भी हमने वो अपना लेटर लिख दिया है, और एनजीटी में हम एक दो दिन में वकालतनामा साइन करके अब भेज रहे हैं। रुक्कू देवी ने कहा कि अगर अब इस समस्या को हल नहीं किया गया तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे और हमीरपुर दौरे के दौरान इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री का घेराव भी करेंगे। उन्होंने बताया कि कूड़ा संयंत्र से इतनी बदबू आती है कि वहां से निकलना भी मुश्किल हो जाता है और पशुओं के लिए चारा लाने में भी दिक्कतें पेश आती है। को हम काफिला आ रहा है तो हम यही रोक देंगे, नहीं तो कल हम धरना कर देंगे। चार देते थे, खेलते भी थे, कूदते भी थे, सारा कुछ सारा घा भी अस बढ़ी ने लिया थे, हूँ जिसे नक् नहीं दे वाला उसे बहुत सड़ियान चली हुई है। हाँ तो अपनी पहाड़ी बोली च बोलना ना, उधर तो बड़ी भारी चली सड़ियान मुश्क है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ जो भी आना अहते गाँव के बच्चे जेडे सह क्या कुती कुती जाएंगे, क्या कर गए हैं, किए माल पशु रख गए, चिड़िया कौ पंछी एक दाना नहीं अहम जो घर मिलता पजवाना, कच्ची चलिया कच्ची कणक को कट के ले आते बस खाते कने कुछ नहीं मिलता नहीं आने बच्चों वास्ते, गां अहां इसका ट्रैक्टर का मुल भाड़ा देना कने फसल फेरी नहीं लगनी, अहम का मतलब यही है भाई सड़े पानी है आई जाओ दिखी तो चको ही जाओ बस। ना क्या जी तुहांदा? अहांदा ना रुको। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द कूड़ा संयंत्र को यहां से हटाकर कहीं और शिफ्ट किया जाए।